हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिटर्मिनेंट लगभग समाप्त कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग बेसिक से किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने करा दिया। अब बच गए जेई एडवांस के लिए। तो जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस का जो भी एक सीरीज बनेगा जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को कराया जाएगा। क्लियर। हम लोग क्रैमर्स रूल किए हैं। क्रैमर्स रूल जेई मेन एंड एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्वेल्थ बोर्ड में वैसे उससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक एनसीईआरटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे एरिया ऑफ पॉलीगन हम लोग को स्ट्रेट लाइन में पढ़ना होता है, ठीक है, वहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज इसमें दे दिया है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट जब गिवन रहेगा तब, हम लोग टेंथ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे टेंथ क्लास में? ऐसा ए मेरा कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, बी मेरा कोई पॉइंट है x2 y2, एंड सी मेरा कोई पॉइंट है x3 y3, ठीक है। तो इससे एक क्या बन गया है, ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया हम लोग पढ़े थे 1/2, ऐसे करके x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस क्या हुआ था x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। क्लियर है। और यहाँ मॉड दे देते हैं, मॉड इसीलिए कि ये नेगेटिव भी आ सकता है तो हम इसको पॉजिटिव बना ले। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कब आता है? जब हम लोग एरिया को एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। किस में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इसी को हम लोग क्लॉकवाइज में ले लेते हैं तो ये हम लोग को निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव। तो यहाँ देखिए क्या लिया गया है, ये x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, तो ये हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, अगर यही ये यहाँ ना रह कर मेरा क्या रहता, ए यहाँ रहता और बी यहाँ, मतलब यही x2 y2 यहाँ, तब ये क्लॉक वाइज में आ जाता, तब ये नेगेटिव साइन आता, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग तो प्लॉट करके देखते नहीं है कि कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, कैसे बन रहा है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग मॉड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो बस डिटर्मिनेंट का फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद रखने का तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है, इसको लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1। ये x1 y1 क्या है? ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर 1, फिर बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड 1, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड 1, ठीक है। तो यही है हम लोग का क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इस पे एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि हम लोग के पास फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ए मान लेते हैं 1, 2, बी है क्या -1, 2 एंड सी है 5, 6 या 3 ले लीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, बड़ा सा एक डिटरमिनेंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1, 2 एंड लास्ट में 1, फिर -1 एंड 2, ये 1, फिर 5, 3 एंड 1, ठीक है। ये 1, 1, 1 रहता है, इसलिए हम लोग को फाइंड करना बहुत आसान होता है। इसमें से इसको घटाएंगे एंड इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1/2 मॉड ऑफ,
ये इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहाँ 0, 1 माइनस 1 यहाँ 0, ठीक है। और इसको घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं माइनस 1 2 1 एंड 5 3 1। क्यों नहीं हम लोग घटाए हैं ऐसा हम लोग समझे, क्यों नहीं घटाए? क्योंकि 2 0 हम लोग को यही मिल गया, यहाँ भी मिलता, वैसे घटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों ने नहीं घटाया, वैसे भी बन सकता। अब इसके अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 बाई 2 पहले से ही है, एंड ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये ख़त्म एंड ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा क्या, ये ख़त्म एंड ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ये तो हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। ये जो भी आएगा मॉड लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इन 2, ये 2 टाइम्स 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, इसका मॉड 1 बाई 2 इंटू माइनस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये मॉड लेना है तो ये 2 ही हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, तो 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। कभी कभी क्या दे देगा कि एरिया दे देगा, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट में कहीं कहीं कोऑर्डिनेट मिसिंग रहेगा, मतलब कोई कोऑर्डिनेट नहीं देगा, जैसे ऐसा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 1.2, यही ले लेते हैं 1.2 माइनस 1.2 एंड क्या है 5.3 आर क्या है 5 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ बस एक कोऑर्डिनेट मिस कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं k, ठीक है, ये लिख देते हैं यही 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 1.2 माइनस 1.k एंड 5.3 आर 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन करेंगे कि एरिया हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 बाई 2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 1 2 1 माइनस 1 के 1 एंड क्या है 5.3.1, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, ये 1 बाई 2 ये घटा लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे ये 2 2 माइनस के 1 माइनस 1 ये 0, ये माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6, ये k माइनस 3 एंड ये 1 माइनस 1 0, ये रहेगा 5.3.1, क्लियर। ये 1 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इसके अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर दिए, तो ये ख़त्म हो गया है एंड ये ख़त्म, बच जाएगा 2 टाइम्स k माइनस 3 माइनस प्लस 6 टाइम 2 माइनस k, ठीक है, का मॉड, समझ में आ रहा है। हाँ, आगे इसको मिटाते हैं हम लोग, हम लोग इसको यहाँ देखेंगे, ये क्या हो गया है 1 बाई 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 3 एंड 3 टाइम्स हो जाएगा k माइनस 3 एंड ये प्लस का 3 टाइम्स 2 माइनस के, इसका मॉड रहेगा, इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को 1 स्क्वायर यूनिट, तो ये लिखेंगे 1, ये 2 से 2 ख़त्म, k माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 के का मॉड इक्वल टू 1, ये देखिए क्या हो जाएगा 6, पहले लिखते हैं k की वैल्यू, तो माइनस 2 के एंड ये प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज़ रिजल्ट याद रखना है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर k है तो x इक्वल टू प्लस माइनस k, जैसे मॉड x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2, वैसा ही माइनस 2 के प्लस 3 का मॉड क्या है 1 है, तो माइनस 2 के प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब माइनस 2 के प्लस 3 या तो 1 होगा या माइनस 2 के प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1। यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल टू 1, और यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 4
के इक्वल टू टू, तो के इक्वल टू वन के लिए भी एरिया इतना ही आएगा एंड के इक्वल टू टू के लिए भी एरिया इतना ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए मेरा दो जो फिक्स पॉइंट था यहाँ है, अगला पॉइंट के वाला हो सकता है यहाँ हो या हो सकता है कि यहाँ हो, ठीक है, तो दो जगह होगा फिर भी एरिया मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आया होगा? हाँ, तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो, इसीलिए के इक्वल टू वन भी हो सकता है और के इक्वल टू टू भी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और डिटर्मिनेंट का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, समाप्त हो गया है। हम लोग अब बस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।